नमस्कार दोस्तों, शाम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ, और आज आपको बताएंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से किस प्रकार ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब आपका ज़्यादा समय खराब न करते हुए हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, यानी सबसे पहले आपको बताएंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किस प्रकार बनाएंगे, कितने डिग्री के एंगल पर बनाएंगे। इसके बाद में बताएंगे कि इसमें ऑर्थोग्राफिक का निर्माण अलग अलग भाव बताएंगे, फ्रंट, साइड और टॉप। तो अब ज़्यादा वक्त खराब न करते हुए मेन पॉइंट पे आते हैं। अब पहले आपका आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होता है, सबसे पहले 30 डिग्री के एंगल पर हम आइसोमेट्रिक व्यू का निर्माण करें। तो देखो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट कराऊंगा और आपके 30 डिग्री पर ये रेखा दे दी, इसके बाद में 90 डिग्री पर ये रेखा आ गई। अब इनकी माप आप अपने मन से दे सकते हो, या इसके अलावा अगर एग्जामिनर जितनी माप देता है उतनी माप आप देना, तो उससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में 30 डिग्री पर ये रेखा आ गई, इसके बाद में 90 डिग्री पर रेखा ये आ गई, और इसके बाद में 30 डिग्री पर रेखा आपकी ये आ गई। तो इस प्रकार आपका एक बार बन के तैयार हो गया है दोस्तों, ये भाग क्लियर हो गया। अब इस भाग के आगे हम बनाते हैं इधर साइड। अब साइड में देखो दोस्तों, साइड में सबसे पहले ले लिया ये भाग की लंबाई कितनी भी आ रही जितनी, और इसके बाद में ये हाइट आ गई इसकी जितनी इतनी है उतनी। इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों, और 90 डिग्री पर यहाँ पर ये रेखा खेलो, 90 डिग्री पर आपकी ये रेखा आ गई, और इस भाग को इससे मिला दिया। यहाँ तक क्लियर होने के बाद दोस्तों, आगे देखो, आगे हम बनाएंगे जितने नंबर इस रेखा की उतने नंबर इस रेखा की ले रहे हैं, और इस रेखा को इससे मिला दिया, ठीक है। अब इसके बाद में 90 डिग्री पर ये रेखा आ गई, इसके बाद में इस रेखा को इससे मिला दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ तक क्लियर होने के बाद दोस्तों आगे देखते हैं, 30 डिग्री पर ये भाग आ गया, और इस भाग को इस भाग से मिला दिया, इधर ये भाग इससे बन रहा है, यानी आपका इतना भाग आइसोमेट्रिक बनके तैयार होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो 30 डिग्री आ गई, इसके बाद में ये भाग आ गया आपका, इसके बाद में ये भाग आ गया, और इसके बाद में ये भाग आके मिल गया दोस्तों, इसके बाद में 90 डिग्री पर आपका ये भाग आके ये मिल गया। तो इस प्रकार कुल मिला के आपके आइसोमेट्रिक व्यू का निर्माण हो चुका है। अब इस दर एक दो फ्रंट व्यू, पहले तो इसकी माप लिखो दोस्तों, ये आपको एग्जाम में इस प्रकार आइसोमेट्रिक बना हुआ आएगा, और उसकी माप भी दर्शाई हुई आएगी। तो ये माप हम एक बार दर्शा देते हैं आप लोगों के पास। तो ये आगे 20, माना कि 20 mm के ये भाग है, और 20 mm के, तो आपको ये भी मालूम है कि 20 mm में एरोड की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:1, तो ये आपके 3:1 की क्या आ गई, एरोड आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर होने के बाद में साइड में चलो, साइड में भी दो भाग है, ये 20 का मान लो, ये 50 का मान लो, तो ये 50 का आ गया, ये 20 का आएगा, 20 में 3:1 का एरोड आ जाएगा, और आपका 50 में क्या आएगा, 30 mm से अधिक है, तो कुल मिला के यहाँ पर 6:2 का एरोड आ जाएगा। तो ये आपका 6:2 का एरोड आपका ये हो गया। इसके बाद हाइट की बात करें तो हाइट में आपकी तीन हाइट अलग अलग दिखाई दे रही है, अलग अलग देख लो, 20 की हाइट आ गई, ये हाइट कितनी है। अब इसमें भी आप अपनी सुविधा के अनुसार कितनी माप रख सकते हो, वो आप पर डिपेंड करेगी, आप माप कितनी रख रहे हो दोस्तों। तो माना कि आपने इन भागों की माप रख ली 20 और इस भाग रख ली 30, ठीक है, और एरोड आपको मालूम किस प्रकार बनेगी। तो मैं अब इस भाग को मान लेता हूँ, वो आप पर डिपेंड नहीं करे, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करते हैं, वो फ्रंट किस भाग को मानता है और साइड किस भाग को मानता है दोस्तों। तो अब स्टार्ट करते हैं, माना कि उसने फ्रंट इस भाग को माना है, साइड व्यू इस भाग को माना है, और टॉप व्यू या इसको बोलते हैं प्लान व्यू इस भाग को माना है। मानेंगे क्या ऊपर वाले भाग को, तो वैसे हम प्लान या टॉप व्यू कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो अब हम इसका बनाएंगे ऑर्थोग्राफी व्यू। दोस्तों अगर एग्जामिनर आपको दे दी कि इसे ऑर्थोग्राफी व्यू के फर्स्ट एंगल में बनाना है या थर्ड एंगल में, तो आपको जो क्वेश्चन दिए वही चीज आपको करके आनी है। इसके अलावा आपको दे दे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिया हुआ है और बोले कि इसको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में चेंज करो, तो आप पर डिपेंड करेगा कि आप इसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना रहे हो या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हो, अपनी सुविधा के अनुसार अच्छा लगे वो बना दो। लेकिन मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में बताऊंगा।
फर्स्ट एंगल में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में देखे आ जाएंगे, लेकिन आज अभी आपको इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस को हम ऑर्थोग्राफी के थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में चेंज कर रहे हैं। तो हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखो दोस्तों, आपके पास ड्रॉइंग शीट होगी और उस ड्रॉइंग शीट में ओनली 5 क्वेश्चन करना अनिवार्य है दोस्तों। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना कि आपकी ड्रॉइंग शीट में जहां तक हो सके फ्रंट कवर पर आप जितना 5 क्वेश्चन है, 5 में अगर आपको 2 या 3 जितने क्वेश्चन सही आते हैं पहले फ्रंट पेपर पर ही करो, बैक पेपर मत करो। क्यों? क्योंकि आपने इंजीनियरिंग के परिचय में पैरा लेसन आता है उसमें फटा होगा, और नहीं फटा होगा तो हम बता देंगे कि ड्रॉइंग शीट पर दी, और ड्रॉइंग शीट में क्या था कि हमेशा डायग्राम का निर्माण फ्रंट कवर पर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस साइड में खुरदरी होती है शीट उधर करना चाहिए, अगर आप प्लेन साइड में करोगे तो वो शीट गंदी हो जाएगी। इसी के अनुसार अगर आप एग्जाम में बैठो तो एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा फ्रंट कवर पर ही जो क्वेश्चन आपको आते हैं भले 5 आए तो 5 को जहां तक हो सके फ्रंट कवर पर करो। क्यों? बच्चे कहते हैं सर हमने सारे क्वेश्चन किए हमारे नंबर इतने कम क्यों आई। मेन रीजन ये है दोस्तों कि आप बैक कवर पर क्वेश्चन करते हो और वहां पर एग्जामिनर चेक नहीं करता है, इसी कारण बच्चों के कम नंबर आते हैं। तो हमेशा पहली चीज नोट कर लेना कि पिछली बार यही कारण था, बहुत से बच्चों ने बैक कवर पर बना दिया जिसे उनकी कॉपी चेक ड्रॉइंग शीट चेक नहीं हुई और जिससे फिर उनके बहुत से बच्चे फेल भी हो गए। तो आगे से ये ध्यान रखना, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो पहले के लिए कर लेना कि हमेशा फ्रंट शीट पर ही करना है। अगर विश्वास नहीं है तो आप अपने ड्रॉइंग इंट्रोडक्शन के लेसन में ड्रॉइंग शीट में ये चीज़ खुद ही पढ़ लेना, आपको मालूम हो जाएगा कि ये चीज़ सही है या गलत। तो हमेशा फ्रंट शीट पर ही आपको आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफ ना हो या और कोई सा भी क्वेश्चन हल करो तो फ्रंट पेज पर ही करना। तो अब मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, पहले आपकी माना कि ड्रॉइंग शीट के 4 भाग कर लो। ड्रॉइंग शीट के 4 भाग क्यों कर लो, क्योंकि इसमें हम बनाएंगे फ्रंट साइड और टॉप व्यू। तो अब माना कि आपने इस प्रकार यह आपकी ड्रॉइंग शीट है, तो ये ड्रॉइंग शीट तो है दोस्तों, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपके साथ एक क्लास और लेके आऊंगा और उसमें बताऊंगा कि आप फ्रंट पेज पर ही किस प्रकार 5 क्वेश्चन हल करें। अभी तो मैं आपको आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफ बता रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा उसमें आपको यही बताएंगे कि ड्रॉइंग के फ्रंट शीट पर 5 क्वेश्चन किस हल प्रकार हल करें। तो अभी बता देते हो बाद में क्या है कि माना कि आपकी ड्रॉइंग शीट है और अब इसमें इस प्रकार आप 4 भाग कर लो। 4 भाग कर लिया, 4 भाग करने के बाद में आप देखते हो कि यहाँ पर आपके रोल नंबर वगैरह, इनरोल नंबर और डेट, एग्जाम डेट, कैंडिडेट नेम सभी आते हैं। तो माना कि यहाँ पर तो ये चीजें आप लिख दोगे, ठीक है दोस्तों। ये चीज लिखने के बाद में एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ हल करना है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ कर दो, तीसरा क्वेश्चन हल यहाँ कर दो और चौथा क्वेश्चन यहाँ कर दो। इस प्रकार आप 4 क्वेश्चन हल आसान से कर दो। अब कहते हो कि सर हम आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी किस प्रकार बनाएं, तो दोस्तों जिस प्रकार मेरे इनके 4 भाग है, माना कि आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन आया आइसोमेट्रिक का, तो इस भाग की आप 4 भाग कर लो और 4 भाग करके इस प्रकार 4 भाग किए और 4 भाग करके इसमें भी क्या करेंगे 10-10 mm की दूरी पर इस प्रकार ले लो। क्या करने के लिए, ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए। ये लेने के बाद अब आप आइसोमेट्रिक में देखो किस प्रकार क्या बनेगा, जो मैं भी आपको ड्रॉइंग शीट में बताऊंगा कि किस प्रकार इसका निर्माण करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका, यहाँ तक क्लियर होने के बाद में पहले क्वेश्चन आया, अब तीसरा चौथा जो आपके लड़े, माना कि एक तो आपका विमाकन में से क्वेश्चन आ गया, एक आपका आइसोमेट्रिक जो आपने क्लियर कर दिया, एक फ्री हैंड स्केच है वो आप वैसे कर दोगे और एक आपका ज्यामिति में से आता है तो वो वैसे कर दोगे। तो इस प्रकार आप आसानी से हल कर सकते हो। एक क्वेश्चन बचे तो मेरे हिसाब से जगह बच जाएगी, जगह नहीं बचे तो अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आप बैक पर कर सकते हो। तो इस प्रकार आप ड्रॉइंग में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो अगर आप मेरी राय अच्छी लगे तो आप मुझे सुझाव दो और बताएं कि सर कैसा लग रहा है। अब आगे देखो दोस्तों, अब आगे बता रहा हूँ मैं कि इस आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफी में किस प्रकार चेंज करेंगे, यानी दोबारा से देख लो दोस्तों। तो आपकी माना ये ड्रॉइंग शीट है और ड्रॉइंग शीट के इस प्रकार आपने 4 भाग, ड्रॉइंग शीट है इस प्रकार से ड्रॉइंग शीट के 4 भाग हो दोस्तों, ये आपके ड्रॉइंग शीट के 4 भाग हो गए। अब इस ड्रॉइंग शीट के 4 भाग होने के बाद में क्या करोगे कि 10-10 mm की दूरी पर मेन रेखा से, यानी इससे 10 mm की दूरी पर एक रेखा ये ले ली और ये भी 10-10 mm की दूरी पर ये रेखा ले ली, बीच वाली सेंटर रेखा से 10 mm इधर,
और 10 एम इधर। दोस्तों मेन चीज का यही ध्यान रखना, जिसको ये आरेख आ जाएगा उसको ऑर्थोग्राफी बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज नोट करना, सबसे पहले आपकी ड्रॉइंग शीट है, ड्रॉइंग शीट की आपने चार बार की किस प्रकार की, माना इसकी टोटल लंबाई 340 है तो 170 mm के दो भाग बनेंगे, माना ड्रॉइंग शीट की हाइट 220 है तो 110 mm के दो भाग बन गए। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक होने के बाद में अब आगे देखना दोस्तों, फ्रंट की टोटल लंबाई 20 20 20, 60 है लेकिन क्या दे रखा है 20 20 20 20 के तीन भाग है। अब ये आप इस ऑर्थोग्राफी का आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम चेंज करें दोस्तों, इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में चेंज कर रहे हैं। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि फ्रंट जिस भाग में होता है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें आएगा, अगर राइट हैंड साइड साइड है तो राइट हैंड साइड आएगी, और फ्रंट के ऊपर में से क्या आएगा, प्लान आएगा दोस्तों। इस प्रकार आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब देखो 20-20 के तीन भाग है, तो 20-20 के तीन आप ये किधर है लेफ्ट हैंड, तो आप लेफ्ट हैंड इधर है, यानी लेफ्ट हैंड तो आपका यह है और राइट हैंड आपका यह है। तो अगर ये लेफ्ट हैंड ये आ गया और राइट हैंड ये आ गया, तो अगर ये लेफ्ट हैंड है तो आपको लेफ्ट हैंड ही फ्रंट बनाना है, लेफ्ट हैंड ही आ रहा है। तो इधर ही आप देखो कि इसमें 20-20 के तीन भाग है, तो इस 10 mm की रेखा से एक तो 20 का भाग आपका ये आ गया, पूरी शीट जो आपने पूरे भाग में बटे पूरे भाग में बोलो 20 का ये आ गया और 20 का आपका ये आ गया। यहां तक मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आगे चले दोस्तों, अब साइड साइड में दोस्तों पहला भाग है 50 का, पहला भाग देखो मैं इधर से देखूंगा तो अब ये राइट हैंड साइड है, तो इधर यानी इस 10 से 50 एमएम का भाग तो ये आ गया। अब इस 50 के बाद भी 20 का भाग ये बचेगा, जो आपका 20 का भाग ये आ गया, इतना क्लियर हो चुका दोस्तों। इतना क्लियर होने के बाद में दोस्तों आगे देखो इसमें क्या होता है, इसकी हाइट देखो ये 20 ये 20 ऊपर वाले 20, तो ये नीचे बनना है तो इसकी माप ऊपर से लेंगे, ये कितने 30, तो इस 10 से 30 तो ये ले लो और 30 के नीचे कितनी है 20, तो 20 ये ले लो दोस्तों, और इस 20 के नीचे कितनी है ये 20, तो 20 की माप ये आ गई। इस प्रकार ये हाइट आ गई। अब साड़ी की लंबाई कितनी है 50 दोस्तों। एक चीज आप नोट करना चाहते हो नोट भी कर लो, क्यों, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए कि साइड की लंबाई, साइड की लंबाई हमेशा प्लान की चौड़ाई थी, क्यों, क्योंकि साइड का भाग इस प्रकार आके प्लान में इस प्रकार घूम के आएगा, तो साइड की लंबाई हमेशा प्लान की चौड़ाई होती है। तो साइड की लंबाई जितनी भी हो कभी भी हाइट से तुलना मत कर लेना कि अब इसकी हाइट कितनी आ रही है 20 20 40 40 30 70, और ध्यान रखना साइड की लंबाई यहाँ पर 70 दे रखी है, तो आप सोचो कि 70 हाइट है, तो हाइट से तुलना कभी मत करना, साइड की लंबाई हमेशा प्लान की चौड़ाई है और फ्रंट की लंबाई हमेशा प्लान की फ्रंट की लंबाई जो प्लान की लंबाई आ गई वो ये लंबाई आ गई, लेकिन ये साइड की लंबाई प्लान की चौड़ाई आएगी। तो ये आप नोट नोट कर लो कि साइड की लंबाई हमेशा प्लान की चौड़ाई होती है। इसके बाद दोस्तों आगे देखो, तो ये कितने 70, तो आप इस 10 mm रेखा से ऊपर आ जाओ, 70 mm ये ले लो। 70 mm लेने के बाद में हमेशा एक आता है टेपर, जो टेपर हमेशा आपको फ्रंट की तरफ लेना है, कभी भी साइड तरफ, तो आपका फ्रंट यही है। तो देखो इसमें से इस कोने में आपको आना है, क्यों, क्योंकि फ्रंट की ओर आपको ये टेपर आता है। अब आप पूछोगे सर हमने टेपर क्यों खींचा, दोस्तों टेपर हम आपकी सुविधा के लिए खींच रहे, खींचो तो खींचो या मत खींचो, ये इसलिए खींच रहे कि आपको मालूम चले कि साइड की जितनी लंबाई और प्लान की चौड़ाई किस प्रकार आएगी, जो भी मैं बताऊंगा कि ये भाग कितने का 20 का। अब 20 का यहाँ तक आने के बाद में ये घूम के ये चला गया, तो आपको मालूम चल गया ये 20 का भाग प्लान किस प्रकार घूम के आया। आगे देखो ये आपका 50 का भाग, यानी ये 20 का भाग चला गया, ये 50 का भाग ये है जो प्लान में इस प्रकार आके ये घूम के आ गया। तो इस प्रकार हमने प्लान में साइड की लंबाई प्लान में ली, इसी प्रकार हमने टेपर लिया। तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद दोस्तों मैं आगे बता रहा हूँ आपको कि अब ये वेक्टर डायग्राम आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं हमने किस प्रकार ये वेक्टर रेखा खींची। तो इसमें देखो दोस्तों 20 20 20, तो देखो पहला 20 का भाग ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा भाग 20 का ये है, साइड में ये कितनी 50, तो ये आपने 50 रेखा ये ले ली थी, ये कितनी 20, जो 20 आपने ये ले ली। हाइट की बात करूं
तो हाइट देखो 20 20 30, तो 20 का भाग यह आ गया आपका, 20 का भाग यह आ गया, 30 का भाग यह आ गया। ठीक है, प्लान की बात करूं तो ये 20 का भाग घूमती इधर आया तो 20 तो यह आ गया, 50 का भाग ये घूम गया तो 50 का भाग आपका ये हो गया। तो इस प्रकार आपके यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत ही होगी, ये चीज मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे हम आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी कंप्लीट करेंगे तो ये आप अतिरिक्त रेखाओं को मिटा देना और आपके उन्हें तीन भाग फ्रंट साइड और टॉप के तीनों भाग ही बचने चाहिए। तो बाकी सारे दोस्तों अब आगे देखें दोस्तों कि आपकी ये टोटल लंबाई कितनी है, 60 एम क्यूब से के साथ होती है, तो आप इस 60 एम की रेखा को डाल लो दोस्तों। तो मैंने इस 60 एम की रेखा को डाल किया, इसके बाद हाइट कितनी दोनों साइड 20 20, तो आपने 20 एम एम इधर हाइट लो। ओनली ये रेखा आपने खींची थी ना वेक्टर डायग्राम की, ये आपको हल्के हाथ से खींचने ध्यान रखना वैसा, और हल्के हाथ से खींचने के लिए कौन सी पेंसिल काम में लेते हैं, यानी इसमें कठोर पेंसिल काम में आती है, यानी जो पेंसिल आपको काम में देनी है। तो आपने चैप्टर में आपको आगे जो चैप्टर वो क्लास लेके आएंगे उसमें ये भी क्लियर कर देंगे कि कौन सी पेंसिल कहाँ काम में आती है, कौन से उपकरण कहाँ काम में दिए बता देंगे। तो 20 आ गई तो 20 इधर आ जाएगी, इसके बाद अंदर की तरह 20 20, तो अंदर 20 20 ही आ गई। इसके बाद हाइट कितनी है 20 20, जो 20 20 हाइट ही आ गई। इसके बाद ये कितनी है 20, जो 20 ही आ गई। दोस्तों कुल मिला के ये फ्रंट का भाग आपका ये आ गया, और उल्टी आकृति है ये, उल्टी आकृति मैंने बनाई है। आगे चले दोस्तों, आगे देखो दोस्तों, इसमें इस 20 के ऊपर यह हाइट कितनी है, इस 20 के ऊपर ये टोटल हाइट बच गई 50, जो 50 आपकी ये आ गई। आगे 50 50 आने के बाद ये कितनी है 60, जो 60 आपकी आ गई, 60 है दोस्तों। देखो किसी के साथ और जितने हाइट दिए 50 तो ये भी देगी 50, जो 50 ये आ गई। अब बताओ दोस्तों फ्रंट में आपके दो भाग दिखाई दे रहे हैं, दोनों भागों में किसी प्रकार की दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से बच्चों किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चले साइड में, साइड में लंबाई कितनी है 70, तो आपने इस 70 एम की रेखा को डाल लिया दोस्तों। इसके बाद में यह कितनी है, ये भी 70, तो ये 70 की इस रेखा को डाल करो पेंसिल स्केल की सहायता से। इसके बाद ये कितनी है 20, तो अब आपने 20 एम की रेखा को डाल कर लिया। इसके बाद दोस्तों ये कितनी है 50, तो 50 एम की रेखा डाल कर लिया। इसके बाद दोस्तों ये कितनी है, ये भी 50, तो आपने इसको भी डाल के कर लिया दोस्तों। इसके बाद में ये कितनी है 20, तो आपने इस 20 एम को भी डाल के कर लिया। कुल मिला के साइड में आपको एल आकृति दिखाई दे रही है, जो आपकी एल आकृति वो बन गई। आगे चले दोस्तों, इस 20 के ऊपर यह कितनी है 20, तो आपने इस 20 एम की हाइट को डाल कर लिया। इसके बाद दोस्तों ये कितनी है 50, तो आपने इस 50 को डाल कर लिया। कुल मिला के दोस्तों आपने साइड से इस भाग को देखा तो ये आयताकार आकृति, जो आपकी आयताकार आकृति आपकी याद है। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो आपका फ्रंट और साइड कंप्लीट है। अब चलते हैं दोस्तों प्लान में, तो प्लान देखो दोस्तों ये लंबाई कितनी है 20, तो आपकी ये 20 याद है। इसके बाद में ये लंबाई कितनी है 60 60, कैसी आई 60 इस प्रकार आई, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 आएगी, ये 20 थी तो ये भी कितनी आएगी 20, ये 60 है तो ये भी कितनी आएगी 60। दोस्तों मैं प्लान में देख रहा हूँ ऊपर ऊपर, मुझे ऊपर से आयताकार आकृति दिखाई दे रही है, जो आपकी आयताकार आकृति है आगे, सही है। आगे देखो दोस्तों, इस 20 से आगे ये नंबर कितनी बच गई 50, जो 50 आपकी आ गई। इस 50 से आगे ये नंबर कितनी है 20, जो आपकी 20 दोस्तों ये आ गई। इसके बाद में ये लंबाई कितनी दोस्तों 50, जो 50 ही आ गई। क्यों दोस्तों ये क्यों आई, क्योंकि मैं ऊपर से देखा मुझे पहले ये देखा दिखाई देगी, नीचे वाली थोड़ी दिखाई देगी, इसी कारण हमने ऊपर वाले रेखा को माना है। तो आपका ये भाग आपका ये आ गया। इसके आगे देखो दोस्तों ये लंबाई कितनी है 20, जो 20 ही आ गई। अब दोस्तों मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो पहली बात तो मुझे ये रेखा दिखाई नहीं दी, क्योंकि इस रेखा के नीचे तक गई तो ये रेखा दिखाई नहीं देगी। इसके बाद ये लंबाई कितनी है 50, जो 50 आपकी आ गई। यानी कुल मिला के इस भाग का दृश्य ये भाग आ गया। आगे चलो दोस्तों, ये कितनी है 20, जो 20 आपकी आ गई। इसके बाद अंदर कितना आ रहा है 50, जो ये 50 ही आ गई। अब बच्चे बोलते हैं सर हमें तो इतनी सी दिखाई दे रही है,
50 कहां से आ गई, बात सही है आपकी। लेकिन दोस्तों देखो, 50 ये है तो 50 ये भी है, 50 ये है तो 50 ये भी है, तो अगर ये दोनों 50 है तो ये इधर वाली दोनों 50 होनी चाहिए ना। इसी कारण ये सेम सेम ये भाग है, लेकिन इसके पीछे इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे चलो, तो इस प्रकार आपके 1, 2, 3 और 4 यानी 4 भाग के प्लान है, 1, 2, 3, 4 भाग के प्लान हो गए। फ्रंट में 1, 2 भाग है तो फ्रंट में 1, 2 भाग है, 1, 2 साइड है तो 1, 2 भाग साइड में। इस प्रकार आपके आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी व्यू कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपको एक विमार्कन वाला चैप्टर बताया था, उस चैप्टर के अनुसार अब आपको एरोइड बनाने हैं, और इससे पहले वाली क्लास में आपको ऑर्थोग्राफी के सिंबल बता दिए थे। दोस्तों सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनका एक बार अवलोकन जरूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एरोहेड और उसके सिंबल बना के आओगे तो ही आपको प्रूफ मिलेगा। अगर आप इस प्रकार आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी बना के आओगे तो अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इनके तो 10 नंबर ही मिलेंगे, लेकिन 10 नंबर आपके विमाकन व आपका जो सिंबल है ऑर्थोग्राफी के फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल जो क्वेश्चन है उसके अनुसार बनाना है, तो आपका 5 नंबर वो भी है, 5 नंबर का एरोड है, तो ये भी आपके लिए अनिवार्य है। तो ये दो चीजें भी नोट कर लेना। अब मैं इसके आगे आपको बता दूं कि इतना काम होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जो अतिरिक्त रेखा है उनको मिटाना चाहो तो मिटा दो और छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आपका पूरा काम फ्रंट सीट पर करना है, तो फ्रंट सीट पर करना है, अगर आप इन अतिरिक्त रेखाओं को मिटा दोगे तो आपके पास थोड़ी और जगह आ जाएगी, और जगह आ जाएगी तो आप इन क्वेश्चनों के अतिरिक्त अगर आपका एक आधा क्वेश्चन छूट रहा है तो क्वेश्चन आप फ्रंट सीट पर आसानी से कर सकते हो। तो अगर चाहो तो कर सकते हो, अगर जगह है तो इनको मिटाना जरूरी नहीं है। इसी कारण में आपकी सुविधा के लिए ये चीजें कर रहे हैं। अगर आपके पास जगह नहीं तो आप इस प्रकार मिटाई कर लेना, अगर मिटाई करोगे तो आपके क्वेश्चनों में आने की सुंदरता दिखाई देगी, जिससे आप पर एग्जाम प्रभावित होगा, अच्छे नंबर देगा। तो दोस्तों इस प्रकार में अतिरिक्त रेखाओं को एक बार मिटा रहा हूँ, इसके बाद में आपको बताएंगे एरोहेड और विमार्कन की रेखाएं। यहाँ तक क्लियर हो चुका दोस्तों। अब इतना होने के बाद यहाँ पर आपको जो एरोड दे रखे है वो एरोड आपको यहाँ बनानी है, तो मैं अब एरोड बना रहा हूँ। तो देखो 5 एमवी दूरी पर 10 एमवी विस्तारेगा, ये चीजें आपको वहां करके आनी है। इधर भी 5 एमवी दूरी पर 10 एमवी विस्तारेगा, 5 एमवी दूरी पर 10 एमवी विस्तार रेखा। यहाँ पर 5 एमवी की दूरी पर 10 एमवी विस्तारेगा, इधर भी खींचनी है। इतना काम होने वाले, अब आपको एरोड बनाने हैं। अब दोस्तों आपको ये इतना एरोड बनाना है। अब बोलेंगे सर प्लान में क्यों नहीं, क्योंकि ये फ्रंट की लंबाई है तो ये लंबाई तो ये आ गई, और साइड की ये लंबाई मेरे से प्लान की चौड़ाई थी है। अब आपको मालूम है जितनी है उतनी ही होगी, तो एग्जामिनर अपने आप ही समझ जाएगा। अगर आप यहाँ पर गलती करोगे तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा, तो यहाँ पर गलती मत कर देना। क्यों? क्योंकि साइड लंबाई प्लान की चौड़ाई होती है। अब मैं बना रहा हूँ एरोड, तो इन भागों की माप है 20-20 mm। अब आपको मालूम अगर 20-20 mm है तो इसमें एरोड की लंबाई चौड़ाई का अनुपात आएगा 3:1, तो 3:1 आएगा, तो 3:1 एरोड बना देना दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों उधर चले, तो इस भाग की लंबाई है 50 mm और ये है 20। अब आपको मालूम है अगर रेखा की लंबाई 30 mm से अधिक है तो वहां पर 6:2 का एरोड आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 6:2 का एरोड, तो आपका ये 6:2 का एरोड ये बन गया, और ये आएंगे आपका 3:1 एरोड आपके ये है। इसके बाद में इधर चले तो हाइट में देखना, आपको मालूम है ये कितने कितने एमएम भाग है 20 के और 30 के। अब आपको ये भी मालूम है रेखा की लंबाई 30 mm या 30 mm से कम हो तो वहां पर 3:1 को लगाते हैं। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, अगर रेखा की लंबाई 10 mm है या 10 mm से कम तो उसमें आपके एरर नहीं बना जाते, ध्यान रखना। ये चीज जो आप नोट करने वाली है तो ये चीज भी आप नोट लेना कि वहां पर किसी प्रकार के एरर नहीं बनाए जाते। तो इस आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप प्रतिक्षण बनाना चाहो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का, जो आपको बताया हुआ है, जो आप आसानी से बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका फ्रंट कौन से आएगा, राइट हैंड, तो आपका फ्रंट राइट हैंड है, तो मैंने आपको बताया होगा कि उसमें क्या होता है कि आपका फर्स्ट एंगल में किस प्रकार है,
तो वो सिंबल वाली क्लास और देख लेना, मैं तो अभी बता दूंगा। लेकिन दोस्तों टाइम काफी हो चुका है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपके जो साथी हैं उनके साथ अधिक से अधिक शेयर करना और हमारे चैनल का आप सपोर्ट करना। हम आपको इससे भी अच्छी क्लास दे पाएंगे, भले थ्योरी हो, ड्राइंग हो, मैथ हो या प्रैक्टिस, हर सब्जेक्ट की आपको सुविधा देंगे। थैंक्स।